हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वाला सम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे इसके पहले मैंने ये वाला पढ़ा था 1/, अभी रूट वाला पढ़ा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, देखो ना, इसको मैच करो, ये और ये मैचिंग हो रहा है ना, ये तो रूट है। तो रूट में इंटीग्रेशन आया नीचे डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही करेंगे जो पहले बताया था। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसका? परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है आ जाओ अच्छे से समझते। पहले दो बार रूट लिख देता हूँ। ये देखो बच्चे लोग, पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स को सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स को सेम लिख दो, और ये माइनस 20 है ना, इसको थोड़ा दूर कर दो, है ना, नदी के पार। अब ये एक्स के साथ क्या नंबर है, एट है, तो आपको क्या करना है, एट का आधा करना है, आठ का आधा करना है, तो आठ का आधा कितना होता है, चार। फिर इसको स्क्वायर करना है 16। अगर मान लो इधर 10 होता तो 10 का आधा कितना होगा, 5, और 5 का स्क्वायर 25। ओके, 25 होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, तो इसका आधा 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, इधर लिखा प्लस 16, इधर लिखा माइनस 16। फिर क्या करना है, इसको ऐसे ब्रैकेट बना देना है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, ये साइन माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये तुम्हारा ये बन गया। ओके, फिर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 20 और 16 कितना होगा, 36। ओके, तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में और अच्छे से ले लेता हूँ। ओके, तो अंडर रूट लिख दिया, एक्स माइनस 4 ये हो गया एक्स स्क्वायर, 36 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होता है, तो 6 स्क्वायर। तो आप इसको रीड कर सकते हैं 1/ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/ अंडर रूट बोलो एक्स स्क्वायर। तो ये इसके साथ हो गया ना भाई, लास्ट वाले के जस्ट, है ना। तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या है, बोलो, लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन मॉड, वेरी गुड, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये नीचे वाला रूट डाल देंगे ना, तो हमारा आंसर इस तरह आएगा, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग देम, बोलो इंटीग्रेटिंग देम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो आंसर क्या मिलेगा बच्चा, आई इज इक्वल टू, बोलो बोलो ना क्या आंसर आएगा, लॉग ऑफ एक्स, एक्स बोले तो क्या आएगा, एक्स माइनस 4 प्लस, है ना, क्वेश्चन, मतलब ये पूरा पार्ट पहले लिखेंगे ऐसा, प्लस सी। फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, वापस से लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये दिख रहा है ये पूरा पार्ट, ये क्वेश्चन है ना, ये उठा के डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 20 प्लस सी, ये सम तुम्हारा सॉल्व हो गया, इतना ही था ना। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आता है, क्या आता है, तो वाला पार्ट में तुमको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जैसे कि ये वाला सम तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्या है, 4 है, क्या है, 4 का हाफ 2 होगा, 2 4, तो प्लस 4 और माइनस 4 लेके सॉल्व करना है तो 25 हो जाएगा, तो ऐसा तुम्हारा एक आंसर आ सकता है ना। तो इस तरह तुम्हारा 1/ रूट से पहचान हो जाएगी। ओके, तो ये तुम्हारा टाइप का सम था जो हमने सॉल्व किया। और ये वाला सम दिख रहा है, देखो ना, ये x माइनस 2 है, ये x प्लस x माइनस 3 है, तो पहले दोनों ब्रैकेट को मिलाओ, ये ब्रैकेट को ओपन करो तो ये मिलेगा। देखो ना, x x को मल्टीप्लाई करेगा तो x करेगा, और x को 3 से करेगा तो माइनस 3 क्या होगा, और 2 को x करेगा तो माइनस 2, माइनस 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 5, और 2 3 तक कितना होगा, 6। तो ये अंडर रूट वाला बन गया। अब आप क्या करेंगे, 5 है, क्या है, 5 का हाफ करेंगे तो हाफ नहीं होएगा, 5/2 होएगा, तो 5/2 को होल्स करके आएगा 25/4 क्या होगा, तो प्लस 25/4 माइनस, एक ये ब्रैकेट बनेगा, एक ये ब्रैकेट बनेगा, तो उसको सॉल्व करके ये आंसर आएगा तुम्हारा, है ना, सिंपल। इस तरह तुमको सबको क्या करने का था, सॉल्व करने का था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।